गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आपको इस चैनल पर आपके जितने भी 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो आपको यहाँ पर कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। और आपकी जो क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं उसका जो टाइम टेबल है वो भी आप सबसे शेयर कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपकी जो 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेज जो हैं किस किस दिन चलती हैं और क्लासेस का टाइमिंग क्या है, वो भी मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका जो पोएट्री का फर्स्ट लेसन है द फाउंटेन, इसका पार्ट टू हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने इसका पार्ट वन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको आपका जो ये लेसन है द फाउंटेन इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो भी आपके जो आपका ये पोएट्री वाला जो आपका ये लेसन है द फाउंटेन, इससे जो भी आपके स्टेंजा पूछे जाते हैं और स्टेंजा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेंजास गिविंग बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच। तो आपको यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा कौन सा दिया गया है, आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा दिया गया है कि इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। तो ये आपका यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है चार लाइन का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका स्टेंजा जो है कितनी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो स्टेंजा है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और जितने भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि आपका जो ये स्टेंजा है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। चलिए फिर हम इससे रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए जो आपका यहाँ पर ये स्टेंजा दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे स्टेंजा क्या दिया हुआ है, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, ये आपका यहाँ पे ये स्टेंजा दिया गया है। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका यहाँ पे राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो कविता का शीर्षक आपको यहाँ पर बताना है जिससे ये आपकी जो आपका ये चार लाइन दी गई है ये आपकी ली गई है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो जब मैंने आपको कल आपका इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन जब बताया था तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको लेसन का नाम और जो भी आपके लेसन के ऑथर हैं उसका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जब भी आपसे स्टेंजा पूछा जाता है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आपका टाइटल पूछा जाता है कि आपका जो ये आपका स्टेंजा जो दिया गया है किस कहाँ से लिया गया है, इसका शीर्षक क्या है और इसके ऑथर कौन है, ये दो चीज़ें आपसे हर स्टेंजा में पूछी जाती हैं। तो वही आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कविता का शीर्षक बताइए जिससे उपरोक्त पंक्तियाँ ली गई हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ और करके, तो गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन हैव बीन सिलेक्टेड। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है टेकन और यहाँ पर आपका लिखा हुआ हैव बीन सिलेक्टेड। तो इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि कविता का शीर्षक दीजिए जिससे उपरोक्त पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। तो इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है। अब चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ फाउंटेन। क्या लिखा हुआ है कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द फाउंटेन। तो जो आपका ये कविता का शीर्षक क्या है, यानी जो आपका ये लेसन है इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, द फाउंटेन यानी
फव्वारा। तो शुरुआत में ही मैंने आपको इसीलिए बता दिया था कि आपको लेसन का नाम अच्छे से याद कर लेना है और जो भी इसके ऑथर होंगे उसका नाम भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि कविता का शीर्षक क्या है, तो कविता का शीर्षक है द फाउंटेन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। क्या पूछा गया आपसे? पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। अब आपसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि एक ही ध्वनि वाले शब्द। क्या होता है आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है राइमिंग वर्ड, तो राइमिंग वर्ड का मतलब आपका हो जाएगा कि एक ही ध्वनि वाले शब्द को ही जो है वो राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तभी जब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ पे बताना है कि पद्यांश में समान ध्वनि वाले शब्दों को बताइए। तो यहाँ पर आपका जो राइमिंग वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समान ध्वनि वाले शब्द को आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आपका कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड्स स्नो एंड ब्लो राइमिंग राइम टुगेदर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? द वर्ड स्नो एंड ब्लो राइमिंग टुगेदर। तो आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्नो, फिर आपका यहाँ लिखा हुआ है ब्लो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो आपका इसकी साउंड जो इसका आ रहा है स्नो एंड ब्लो, तो इसका साउंड जो आप सुन पा रहे होंगे तो इसका जो साउंड आ रहा है एकदम सेम आ रहा है लास्ट में। जैसे देखिए आपका यहाँ पे लिखा स्नो ब्लो, तो जैसे कि यहाँ लास्ट में भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ओ डब्लू और ब्लो में भी आपका लिखा हुआ है ओ डब्लू, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो आपके जो वर्ड जो शब्द आपका ये दिया हुआ स्नो एंड ब्लो, तो इसके लास्ट में जो है सेम ध्वनि आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मीनिंग भी एक जैसी हो जाएगी, मीनिंग इसकी अलग अलग ही होगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आपका स्नो, तो स्नो का मतलब आपका क्या होता है? स्नो की हिंदी मीनिंग होती है बर्फ और ब्लो का मतलब क्या होता है? बहना। तो इसकी मीनिंग तो अलग अलग है लेकिन इनका जो साउंड है, इनके जो साउंड है, इसकी साउंड जो है वो आपको यहाँ पर सेम लग रही है। तो इसी को बोलते हैं आपका राइमिंग वर्ड, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? द वर्ड्स स्नो एंड ब्लो राइमिंग टुगेदर। ये आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो स्नो और ब्लो हैं वो शब्द समान ध्वनि वाले हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। क्या पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि शब्द जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ वेविंग का आशय किस प्रकार की गति से है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका शब्द वेविंग दिया है उसका आशय जो है वो किस प्रकार की गति से है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द वर्ड वेविंग सजेस्ट इट्स मूवमेंट लाइक अ फ्लावर। क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड वेविंग सजेस्ट इट्स मूवमेंट लाइक अ फ्लावर, यानी जो आपका शब्द वेविंग दिया है इसका आशय है कि उसके फूल की भांति हिलने से। तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा कि जो आपका शब्द वेविंग दिया हुआ है इसका आशय उसके फूल की भांति हिलने से है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट कलर इज़ द फाउंटेन इन द मून लाइट। क्या पूछा गया है? व्हाट कलर इज़ द फाउंटेन इन द मून लाइट, यानी चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा जो है उसका क्या रंग होता है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा का क्या रंग होता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ का कि द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो, यानी फव्वारे का जो रंग है, फव्वारा का रंग बर्फ से भी अधिक सफ़ेद है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट हैपन टू द फाउंटेन व्हेन द विंड ब्लो। क्या पूछा है कि व्हाट हैपन टू द फाउंटेन व्हेन द विंड ब्लो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यानी जब हवा चलती है तो फव्वारा कैसे दिखता है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जब हवा चलती है तो फव्वारा कैसे दिखता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन वेव्स लाइक अ फ्लावर व्हेन द विंड ब्लो। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा जो है वो फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई पड़ता है।
तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन वेव्स लाइक अ फ्लावर व्हेन द विंड ब्लो। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेंजा है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये जो आपका स्टेंजा यहाँ पर दिया गया है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इसको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको भी आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसके बाद आपका कौन सा स्टेंजा दिया गया है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेकंड स्टेंजा दिया गया है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवर इन मोशन ब्लिट्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर आ अवेरी। तो आपका यहाँ पे ये आपका स्टेंजा दिया है चार लाइन का। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एवर इन मोशन, तो मोशन का आपका मतलब क्या हो जाता है, मोशन का आपका यहाँ पे मतलब हो जाता है गति। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन, तो मोशन का मतलब आपका हो जाता है गति यानी कार्य करते रहना, ये आपका यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लिट्सम एंड चेरी, तो ब्लिट्सम का मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना या खुश रहना। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चेरी, तो चेरी का आपका मतलब क्या हो जाएगा, चेरी का मतलब आपका हो जाएगा प्रफुल्लित होना या खुश होना, इसका भी मतलब आपका यही हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिंग का मतलब आपका क्या होता है, चढ़ना यानी ऊपर की ओर चढ़ते रहना, आपका इसका क्लाइंबिंग का मतलब हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ हेवन वर्ड, तो हेवन वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी आकाश की ओर। तो जब मैंने आपको कल की वीडियो में जब आपको मैंने इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया था तो सारी चीज़ें आपको मैंने अच्छे से समझाई थी कि आपकी जो ये लाइनें दी गई हैं इसमें जो है वो लेखक जो आपके कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा तभी आप यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर आ अवेरी, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अवेरी, तो अवेरी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवेरी का मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा थका हुआ, या आपका यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा। अब आपका जो ये स्टेंजा दिया गया है स्टेंजा भी आपका आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, जैसा कि 2014, 16 और 18 में आपका ये स्टेंजा पूछा जा चुका है। तो अब चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, जो भी स्टेंजा आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका जो आपकी पोएम है उसका शीर्षक आपसे पूछा जाएगा और इसके ऑथर कौन है ये आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे यही पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन ऑफ द पोएट्री हैव बीन टेकन और हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम। अब आपसे यहाँ पे ऑथर का नाम भी पूछ लिया गया है कि आपका जो ये पोएम है इसके ऑथर कौन है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो आपका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द फाउंटेन, तो आपका जो पोएम का शीर्षक है वो क्या है, द फाउंटेन यानी फवारा। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया कि इसके ऑथर कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम, तो इसके ऑथर कौन है, तो कल की वीडियो में मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कौन है इसके ऑथर आपके, इसके ऑथर हैं आपके जेम्स रसेल लोवेल जो हैं वो इसके ऑथर हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेम्स रसेल लोवेल वॉज द पोएट ऑफ दिस पोएम, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन और आपसे सेकंड इसी में आपसे पूछा गया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर आपका इसका ये आंसर हो जाएगा कि जो कविता का शीर्षक है आपका द फाउंटेन है और इस कविता के रचनाकार जेम्स रसेल लोवेल हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ईच ऑफ द एबव नोटेड फोर लाइन डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन मेंशन देम, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया जो आपका यहाँ पे चार लाइन का जो आपका स्टेंजा दिया गया है तो आपसे यहाँ पे प्रत्येक लाइन की आपकी आपसे यहाँ पे मीनिंग पूछी गई, तो आपको इसको यहाँ पे बताना जो आपका यहाँ पे चार लाइन आपका यहाँ पे दिया गया है कि इवर इन मोशन ब्लिट्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर आ अवेरी, आपसे ये चार लाइन का स्टेंजा पूछा गया तो आपसे यहाँ पे चारों लाइन का यहाँ पे मीनिंग पूछा गया कि आपकी जो ये चार लाइन लिखी है इसकी मीनिंग क्या होगी। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त चार पंक्तियाँ फवारे के विशेष गुणों का उल्लेख करती हैं तो उनका उल्लेख आप कीजिए। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब इट्स मोशन, तो जैसा कि आपकी आपका जो यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है इसकी आप फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, इवर इन मोशन क्या लिखा हुआ है,
ईवर इन मोशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे क्या बता रही है आपकी फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ पे बता रही है कि द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब इट्स मोशन, यानी पहली जो आपकी लाइन है वो गति के बारे में बता रही है। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेकंड लाइन डिस्क्राइब इट्स हैप्पीनेस, दूसरी पंक्ति जो है आपकी क्या बता रही है, खुशी के बारे में यानी आनंद के बारे में बता रही है। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टाइटल लाइन डिस्क्राइब द थर्ड लाइन डिस्क्राइब इट्स क्लाइंबिंग टूवर्ड अपवर्ड एंड द फोर्थ लाइन डिस्क्राइब दैट इट्स नेवर टायर्ड। तो आपकी जो थर्ड लाइन है, तीसरी लाइन आपकी यहाँ पे क्या बता रही है, जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, तीसरी लाइन आपकी क्या लिखी हुई है, तीसरी लाइन आपकी लिखी हुई है स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आपकी यहाँ पे थर्ड लाइन क्या लिखी हुई है, आपकी यहाँ पे थर्ड लाइन लिखी हुई है स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड। फिर आपकी फोर्थ लाइन लिखी है नेवर आ अवेरी। तो आपका यहाँ पे इसी की आपकी यहाँ पे मीनिंग पूछी गई है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लाइन द थर्ड लाइन डिस्क्राइब इट्स क्लाइंबिंग टूवर्ड अपवर्ड एंड द फोर्थ लाइन डिस्क्राइब दैट इट्स नेवर टायर्ड। तो आपकी जो थर्ड लाइन है वो थर्ड लाइन आपकी क्या करी, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा है कि तीसरी पंक्ति जो ऊपर की ओर बढ़ना और चौथी पंक्ति बताती है कि यह कभी थकता नहीं है। ये आपसे यहाँ पर इस चार लाइन में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो गति को डिस्क्राइब कर रही है, दूसरी लाइन जो है वो खुशी को डिस्क्राइब कर रही है यानी आनंद को डिस्क्राइब कर रही है, और जो तीसरी लाइन है वो ऊपर की ओर बढ़ना ये बता रही है, और चौथी लाइन जो है कि यह बता रही है कि यह कभी थकता नहीं है, यानी कौन नहीं थकता, फवारा। तो फवारे के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल। अब यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ स्टिल, जो आपका यहाँ पे स्टैंजा में लिखा हुआ था ना कि स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, तो आपसे यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा हुआ स्टिल, इसका अर्थ पूछा है कि स्टिल शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसका हम चलिए आंसर देख लेते हैं आपका। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टिल मीन्स इंस्पाइट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, स्टिल मीन्स इंस्पाइट ऑफ। तो आपका यहाँ पे इसका मतलब हो जाए कि जो आपका स्टिल शब्द लिखा है इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है इसके बावजूद, क्या हो जाएगा इसका तात्पर्य, जो आपका शब्द स्टिल लिखा है तो शब्द स्टिल का तात्पर्य इसके बावजूद हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव नोटेड लाइन। तो आपको इसमें भी आपको वही राइमिंग वर्ड्स बताने हैं जो सेम समान ध्वनि वाले होते हैं, सेम साउंड वाले ध्वनि जो शब्द होते हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं, इसी जो आपका यहाँ पे जो स्टैंजा दिया गया था। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स आर चेरी एंड वेरी, क्या लिखा हुआ है आपका, राइमिंग वर्ड्स आर चेरी एंड वेरी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चेरी एंड वेरी, तो दोनों की जो लास्ट साउंड है वो एक ही जैसी है, जैसे कि आपका यहाँ पे चेरी में भी आपका आर वाई लिखा है लास्ट में, और वेरी में भी आपका लास्ट में आर वाई लिखा है, तो यहाँ पर सेम जो है वो साउंड यहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए आपके ये राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान ध्वनि वाले शब्द चेरी और वेरी हैं, तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा यहाँ पे स्टैंजा पूछा गया था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आपका थर्ड स्टैंजा कौन सा है। तो थर्ड स्टैंजा आपका यहाँ पे ये दिया गया, तो ये भी आपका स्टैंजा जो है वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट इवन द सेम। तो ये आपका यहाँ पे चार लाइन का आपका ये स्टैंजा दिया गया है। तो आपसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुल ऑफ नेचर, क्या लिखा हुआ है, फुल ऑफ नेचर। फिर आपका लिखा हुआ है नथिंग कैन टेम, अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है टेम, तो टेम का आपकी इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है टेम, तो टेम की आपकी यहाँ पे हिंदी मीनिंग हो जाएगी फालतू बनाना, ये आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी फालतू बनाना, तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम, तो यहाँ पर आपका ये स्टैंजा दिया गया, तो इस स्टैंजा में आपका जो कवि है वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, तो कवि जो है आपके यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका फवारा है वो प्रकृति से सदैव चलते रहता है, जो आपका फवारे की जो प्रकृति है वो सदैव चलते रहना है, कोई भी वस्तु इससे कार्य करते रहने से रोक नहीं सकती है, यद्यपि यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है फिर भी सदैव वैसे ही रहता है, अर्थात अपना कार्य हमेशा करता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, और इसकी जो गति है वो जो कि त्यों हमेशा रहती है, क्योंकि इसमें आपका जो पानी का बहाव है वो लगातार जारी रहता है। तो यहाँ पर ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो इस फर्स्ट जब आपका कल मैंने जब आपकी क्लास ली थी इंग्लिश की, तो उसमें मैंने आपको इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया था। तो यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है आपसे, आपसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि नेम द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन ऑफ द पोएट्री हैव बीन सिलेक्टेड। तो आपका ये क्वेश्चन जो है हर स्टेंजा में सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा इधर उधर शब्द इधर उधर कर देते हैं। जैसे कि आपका यहाँ हैव बीन सिलेक्टेड लिख दिया गया, कभी कभी लिखते हैं हैव बीन टेकन, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो आपका ये क्वेश्चन तो हर स्टेंजा में पूछा ही जाएगा कि कविता का शीर्षक बताइए जिससे उपरोक्त पंक्तियाँ ली गई हैं या इनको चयनित किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा। तो आपका इसका आंसर भी सेम ही हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन, यानी कविता का शीर्षक क्या है, द फाउंटेन यानी फव्वारा जो है इस कविता का शीर्षक है। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन, क्या पूछा गया है, व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन यानी फवारा को कोई रोक क्यों नहीं सकता। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन गया पूछा गया है कि फवारा को कोई रोक क्यों नहीं सकता, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नोबडी कैन टेम द फाउंटेन बिकॉज इट इज़ इट्स नेचर। क्या लिखा है कि फव्वारे को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि चलना ही इसका स्वभाव है, यानी फव्वारे को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि चलना ही इसका स्वभाव है। ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर द सेम, क्या पूछा गया है, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर द सेम यानी फव्वारा सदैव एक सा क्यों रहता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट्स फ्लावर एवरी मोमेंट येट रिमेन द सेम, क्या लिखा हुआ, इट्स फ्लावर एवरी मोमेंट येट रिमेन द सेम, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह सदैव गतिशील होते हुए भी एक सा बना रहता है, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पे यही पूछा गया था ना कि फव्वारा सदैव एक सा क्यों रहता है, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर द सेम, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स फ्लावर एवरी मोमेंट येट रिमेन द सेम यानी सदैव गतिशील होते हुए भी एक सा बना रहता है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पॉइंट आउट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच राइम टुगेदर इन द स्टेंजा, यानी आपसे फिर वही जो आपके राइमिंग वर्ड्स है वही यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया गया है, क्या पूछ दिया गया आपसे, यहाँ पे पूछ दिया कि पॉइंट आउट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच राइम टुगेदर इन द स्टेंजा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, यानी पद्यांश में उन शब्दों के जोड़े बताइए जो समान ध्वनि वाले हैं, यानी आपसे वही राइमिंग वर्ड्स के बारे में पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स आर द टेम एंड सेम इन द स्टेंजा, यानी जो आपके टेम और सेम जो आपके यहाँ पे इस स्टेंजा में दिए गए हैं वही आपके समान ध्वनि वाले शब्द हैं यानी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं टेम और सेम दोनों की जो साउंड है वो सेम ही आ रही है, यानी एक जैसी ही आ रही है, टेम सेम, इसके भी लास्ट में एम ही है और इसके भी लास्ट में एम ही है। तो इसी बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनकी जो ध्वनि होती है यानी जो उनका साउंड होता है वो समान होता है। तो इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि पद्यांश में समान ध्वनि वाले शब्द टेम और सेम हैं, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं आपका फोर्थ स्टेंजा क्या पूछा गया है आपसे, फोर्थ स्टेंजा आपसे यहाँ पे पूछा लिखा हुआ है आपका यहाँ पे सीसलेस एस्पायरिंग सीसलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सीसलेस, तो सीसलेस की हिंदी मीनिंग आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आपके यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सीसलेस, तो सीसलेस की आपके यहाँ पे हिंदी मीनिंग आपके यहाँ पे हो जाएगी लगातार, क्या हो जाएगी आपकी जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सीसलेस इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो सीसलेस की हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी लगातार। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ आस्प्रिंग, तो आस्प्रिंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका, आस्प्रिंग का आपका यहाँ पे मतलब हो जाएगा ऊपर ही उठते जाना, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आस्प्रिंग, तो आस्प्रिंग का आपका यहाँ पे मतलब हो जाएगा आपका ऊपर ही उठते जाना, ये आपका यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। और आपका ये स्टेंजा भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2011 और 2013 में आपका ये पूछा गया और 2016 में भी ये पूछा गया है। तो जितने भी स्टेंजा मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सारे आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेने और जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सेम ही होगा कि राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन
और सिलेक्टेड यानी कविता का शीर्षक आपको बताना है जहाँ से ये आपकी उपरोक्त पंक्तियाँ ली गई हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर भी सेम ही हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन, यानी क्या हो जाएगा द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन, यानी जो आपके यहाँ पे जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, आपके जो आपका कविता का ये शीर्षक है आपका क्या है द फव्वारा है, क्या है द फाउंटेन यानी फव्वारा, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन, क्या पूछा गया है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन यानी फव्वारे के तत्व क्या हैं, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन आर डार्कनेस एंड सनशाइन, क्या है डार्कनेस एंड सनशाइन जो है ये आपके जो फव्वारे के तत्व हैं, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी फव्वारे के तत्व क्या हैं, तो फव्वारे के तत्व जो है वो आपके अंधेरा और प्रकाश है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डार्कनेस, तो डार्कनेस का आपका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा अंधेरा, और सनशाइन मतलब यानी प्रकाश, यानी यहाँ पे आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रकाश। तो जो आपका फव्वारा है उसके तत्व यानी उसके एलिमेंट्स क्या हैं, डार्कनेस एंड सनशाइन, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप देख लेते हैं इसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, फिर आपसे वही राइमिंग वर्ड्स पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स आर कंटेंट एंड एलिमेंट, क्या हो जाएगा इसमें आपका जो आपका यहाँ पे स्टैंजा दिया गया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपका जो यहाँ पे स्टैंजा आपका यहाँ पे दिया, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कंटेंट और फिर आपका लिखा हुआ है लास्ट लाइन में एलिमेंट्स। तो आपका आप देख ही पा रहे हैं कि लास्ट में इसके साउंड में जो लास्ट में इसका है सेम साउंड आपका यहाँ पे आ रहा है, जैसे कंटेंट एलिमेंट, तो लास्ट में भी आपका यहाँ पे ई एन टी है और इसमें भी आपका ई एन टी है, तो इसी को जो है वो राइमिंग वर्ड बोलते हैं जिनकी जो ध्वनि है वो समान होती है। तो इसमें आपका पूछा गया तो इसमें आपका कौन कौन सा है कंटेंट और एलिमेंट, ये आपके इसमें राइमिंग वर्ड है। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्या पूछा गया था थर्ड क्वेश्चन आपसे, थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे यही पूछा गया था कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा, क्या पूछा गया था व्हाट आर द राइमिंग वर्ड इन स्टैंजा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स आर कंटेंट एंड एलिमेंट, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, तो फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन हैव बीन टेकन, यानी आपको कविता का कवि कौन है जिससे उपरोक्त आप पद्यांश आपका लिया गया है, यानी आपको यहाँ पर जो आपका ये आपकी ये पोएट जो आपकी पोएम है ये द फाउंटेन आपका इसका जो इसके लेखक है यानी जो इसके ऑथर हैं उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो कविता का कवि का नाम जो है आपको यहाँ पे बताना है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा तो द पोएट इज़ जेम्स रसेल लावेल, तो इसके जो पोएट हैं कौन है जेम्स रसेल लावेल जो है ये इसके इस कविता के पोएट है, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि What lesson does the poet want to give us in the above stanza? यानी जो प्रस्तुत आपका जो स्टैंजा दिया गया है कवि हमें क्या सीख दे रहा है इस स्टैंजा के माध्यम से, तो जो आपका स्टैंजा दिया गया है चार लाइन का, तो इसमें जो है कवि आप क्या सीख देना चाहता है, यानी प्रस्तुत अवतरण में जो कवि है हमें क्या सीख देना चाहता है, यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि द पोएट विशेस टू बी एक्टिव फ्रेश cheerful and constant like the fountain, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोएट विश टू बी एक्टिव फ्रेश cheerful and constant like the fountain, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यानी कवि जो है फव्वारे की भांति सक्रिय ताज़ा खुश एवं स्थिर होने की इच्छा करता है। तो आपसे यही पर पूछा गया था ना कि प्रस्तुत अवतरण में कवि हमें क्या सीख देना चाहता है, तो कवि हमें क्या सीख देना चाहता है, कवि हमें यही सीख देना चाहता है कि जिस तरह फव्वारा जो है वो हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा चेयरफुल रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उसी तरह से हमें भी होना चाहिए, यही कवि की यहाँ पे इच्छा थी। तो यही सारी आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टैंजा आपका कौन सा दिया गया है, फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला आपका यहाँ पे स्टैंजा दिया, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ये स्टैंजा जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश
चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपका फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ, ग्लोरियस, तो ग्लोरियस का मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका शानदार, यानी इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, जो आपका यहाँ पे ग्लोरियस लिखा हुआ है इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी शानदार। फिर इसके आपको इसके बाद लिखा हुआ है कि लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, आपका यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का आपका मतलब क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का मतलब आपका हो जाएगा स्थिर। तो चलिए हम देख लेते हैं आपसे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपका इस स्टेंजा से रिलेटेड। तो आपका जो ये स्टेंजा है इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा कि आपको बताना है नेम द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन हैव बीन सिलेक्टेड। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द टाइटल ऑफ पोएम इज द फाउंटेन, यानी आपका जो कविता का शीर्षक क्या है, कविता का शीर्षक है द फाउंटेन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई हैज़ द फाउंटेन बी एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, क्या लिखा हुआ है, व्हाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, तो फव्वारे को शानदार क्यों बताया गया, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है आपसे कि फव्वारे को शानदार क्यों बनाया गया, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना कि ग्लोरियस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ग्लोरियस की हिंदी मीनिंग होती है आपकी शानदार। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा द फाउंटेन हैज़ बीन एड्रेस एज ग्लोरियस बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, तो फव्वारे को शानदार इसलिए बताया गया है क्योंकि यह सुंदर और आकर्षक है, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सुंदर, और इम्प्रेसिव का आपका क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग आकर्षक। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि फव्वारे को शानदार क्यों बताया गया है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, क्या पूछा गया है कि व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, यानी फव्वारे के किन गुणों को कवि धारण करना चाहता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द पोएट विश टू बी फ्रेश एक्टिव एस्पायरिंग एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा कि कवि जो है फव्वारे की भांति ताज़ा, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश, फ्रेश का आपका मतलब क्या होता है, ताज़ा, एक्टिव यानी स्फूर्तिवान, फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एस्पायरिंग, तो एस्पायरिंग का आपका उत्साही, फिर आपका लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट यानी संतुष्ट या स्थिर, ऐसे ऐसे ही गुण जो हैं वो कवि जो है वो धारण करना चाहता है, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पे यही पूछा गया था कि फव्वारे के किन गुणों को कवि धारण करना चाहता है, तो कवि जो है फव्वारे के भांति ताज़ा, स्फूर्तिवान, उत्साही और संतुष्ट होने जैसे गुणों को धारण करना चाहता है, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोएट विश टू बी फ्रेश एक्टिव एस्पायरिंग एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे वही पूछा गया कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, फिर आपको वही समान ध्वनि वाले शब्द आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आपका यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि फाउंटेन एंड कंटेंट बी एंड दी आर राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। तो आपके यहाँ पे दो आपके यहाँ पे दिया है, जैसा कि आपका यहाँ पे पहला क्या दिया, फाउंटेन एंड कॉन्स्टेंट, ये आपके राइमिंग वर्ड्स होंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फाउंटेन कॉन्स्टेंट दोनों में भी जो है वो लास्ट में जो है वो सेम साउंड आपका यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि फाउंटेन एंड कॉन्स्टेंट, ये आपका हो गया राइमिंग वर्ड। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बी एंड दी, तो बी एंड दी भी जो है वो आपके यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हैं इस स्टेंजा में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि फाउंटेन और कॉन्स्टेंट, इसके बाद आपका बी और दी समान ध्वनि वाले शब्दों के जोड़े हैं। तो यहाँ पर आपको दो जोड़े बताए गए हैं, दो पेयर आपको यहाँ पे बताया गया, पहला पेयर आपका है फाउंटेन एंड कॉन्स्टेंट और सेकंड पेयर है आपका बी एंड दी, ये आपके यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो आपके राइमिंग वर्ड हैं। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट स्टेंजा क्या है। नेक्स्ट स्टेंजा आपका यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कौन सा स्टेंजा है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टेंजा है कि इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मोर टिल नाइट, ये आपका यहाँ पे स्टेंजा पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका
कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लीपिंग वर्ड, तो लीपिंग वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपकी, इसकी हिंदी मीनिंग, लीपिंग वर्ड की हिंदी मीनिंग आपके यहाँ पे हो जाएगी उछलते हुए। क्या हो जाएगी? उछलते हुए आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। और फ्लैशिंग के मतलब क्या हो जाएगा? फ्लैशिंग का मतलब आपका हो जाएगा चमकते हुए, या आपकी यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। और तो चलिए देख लेते हैं आपका इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका जो ये स्टैंजा है, ये स्टैंजा भी आपका 2011 में आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ डज द फाउंटेन अपेयर इन द सनशाइन। क्या पूछा गया है? हाउ डज द फाउंटेन अपेयर इन द सनशाइन, यानी फवारा सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार प्रतीत होता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन द सनशाइन द फाउंटेन अपीयर फुल ऑफ लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में फवारा चमकदार प्रतीत होता है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी फवारा सुबह से रात तक क्या करता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन लीप्स एंड फ्लैश फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। क्या लिखा हुआ है? द फाउंटेन लीव्स एंड फ्लैश फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी सुबह से रात तक फवारा उछलता और चमकता रहता है, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है लीव्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पे आपके जो आपका स्टैंजा दिया था यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ था, आपका यहाँ पे लिखा हुआ था लीपिंग एंड फ्लैशिंग। तो लीपिंग का मैंने आपको बताया ना उछलते, और फ्लैशिंग का मतलब चमकते, तो वही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू भी यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन लीव्स एंड फ्लैश फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है विच पेयर ऑफ वर्ड्स राइम टुगेदर इन एबव स्टेंजा। फिर आपसे वही जो है वो राइमिंग वर्ड्स आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इस स्टेंजा में आपका राइमिंग वर्ड कौन सा है? लाइट और नाइट, ये आपके यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी समान ध्वनि वाले आपके ये शब्द हैं। तो आपके इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज़ बीन सिलेक्टेड। आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछा गया कि कविता का कवि कौन है जिससे आपका उपरोक्त पद्यांश लिया गया है। तो आपकी जो ये कविता है द फाउंटेन, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है आपके जेम्स रसेल लॉवेल। तो द पोएट इज जेम्स रसेल लॉवेल, यानी कवि का नाम जो है वो जेम्स रसेल लॉवेल है, तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम देख रहे थे इसके बाद आपका कौन सा स्टेंजा दिया गया है, इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है ये वाला स्टेंजा, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ये आपका यहाँ पे ये स्टेंजा दिया गया है। आपका ये स्टेंजा भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में आपका ये स्टेंजा पूछा गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ फाउंटेन इन एवरी वेदर। क्या पूछा है कि प्रत्येक मौसम में फवारा क्या करता है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक मौसम में फवारा क्या कहता है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ फाउंटेन इन एवरी वेदर, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन इज सीन इन गे एंड जॉयस मूड इन ऑल वेदर। क्या लिखा है कि फवारा जो है प्रत्येक मौसम में खुश मिजाज में देखा जाता है, यानी जो फवारा वो हमेशा खुशी रहता है, खुश मिजाज वो हमेशा बना रहता है। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ गे एंड जॉयस, यानी खुश मिजाज आपका जो फवारा है वो हमेशा हर मौसम में ये हमेशा खुश रहता है, तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, इसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द अबव स्टेंजा, यानी उपयुक्त जो आपका स्टेंजा यहाँ पे दिया गया है, जो कवि है आपको यहाँ पे क्या शिक्षा देना चाहता है, आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कॉन्स्टेंटली, इट रेस्ट लिसन इट्स मोशन सो लाइक अ मैन शुड हिज वर्क कंटिन्यू विदाउट एनी रेस्ट, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर? कि फवारा जो है ऊपर की ओर व नीचे की ओर लगातार गति करता रहता है, इसका विश्राम इसकी गति में निहित है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, या ये आपका यहाँ पे कवि शिक्षा देना चाह रहा है इसके माध्यम से, तो यहाँ पर आपका ये इसका आंसर
हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपका स्टेशन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेंजर थे सारे यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। तो इसी तरह से जो आपका ये लेसन है आपका द फाउंटेन, ये भी आपका यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जब आपकी नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास होगी तो हम आपका स्टार्ट करेंगे ग्रामर का सेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग लेना ना भूलिएगा। जब भी आपके आपका नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास का टर्न आएगा तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे आपका ग्रामर। तो अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।